1933 जब जर्मनी में हिटलर का शासन शुरू हुआ तब एक और चीज स्टार्ट हुआ, यहूदियों का पलायन, ज्यूइश एक्सोडस। और इस एक्सोडस में सिर्फ आम ज्यूइश ही नहीं थे, जाने माने ऑथर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो खुद एक ज्यूइश थे, नील्स बोर एंड निको फर्मी, उस जमाने के बहुत सारे साइंटिस्ट जर्मनी छोड़ यूएसए डेनमार्क में जाके बस गए। और ये तीनों फिजिसिस्ट आगे चल के अलाइड फोर्सेस को मैनहट्टन प्रोजेक्ट में हेल्प किया और बदले में अमेरिका के हाथ में आया न्यूक्लियर बॉम्ब। और इसी न्यूक्लियर बॉम्ब ने ना केवल वर्ल्ड वॉर टू का मोड़ ही बदल दिया बल्कि वर्ल्ड का जियोपॉलिटिक्स यूएसए सेंट्रिक बना दिया। सोचिए क्या होता अगर आइंस्टाइन और बोर को जर्मनी ना छोड़ना पड़ता, क्या आज अमेरिका इतना ज़्यादा ताकतवर होता? आसान भाषा में जब भी किसी देश का हाईली स्किल्ड, हाईली एजुकेटेड और हाईली क्रिएटिव लोग उस देश को छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं तो उसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। उसके उल्टा जिस देश में वो लोग आते हैं उस देश के लिए ये बन जाता है ब्रेन गेन। वेस्ट दशकों से इस चीज़ का फ़ायदा लेते आ रहा है और यही ब्रेन ड्रेन ब्रेन गेन का सिलसिला देखते ही देखते डेवलप कंट्रीज लाइक यूएई, यूएसए, यूके का एक सॉफ्ट वेपन बन गया है बाकी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया को कमज़ोर करने के लिए। और आज इस वीडियो में हम हमारे देश के इसी ब्रेन ड्रेन को समझेंगे, इसके कारण को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि हमारे देश का ब्रेन ड्रेन दूसरे डेवलप कंट्रीज लाइक यूएई, यूएसए, यूके के लिए कैसे ब्रेन गेन साबित हो रहा है। करीब 5-10% इंडियाज़ हाई लेवल मैन पावर टेम्पररीली या फिर परमानेंटली इंडिया छोड़ देते हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन ब्रेन सबसे ज़्यादा माइग्रेट होते हैं, लगभग 18 मिलियन जो कि है 1.8 करोड़। और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है यूएसए, यूएई जैसे कंट्रीज को। और 1960 से इन हाई इनकम कंट्रीज़ में इमाइग्रेशन रेट 3 गुना बढ़ा है और साथ ही साथ जीडीपी भी। रीसेंट रिपोर्ट ये कहता है कि 2015 से 2021 तक मात्र 6 साल में 8 लाख इंडियंस ने सिटीजनशिप छोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है कि ये सिटीजनशिप छोड़ देना ये कोई आम लोग नहीं करते, ज़्यादा ब्रेनिस्ट या फिर समर्थवान लोग ही करते हैं, स्पेशली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिलीनियर्स, साइंटिस्ट। इंडिया डॉक्टर्स का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर है, स्पेशली जीसीसी कंट्रीज लाइक यूएई, साउथ अफ्रीका और ओईसीडी कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके में। लगभग 30% इंडियन डॉक्टर्स और 25% इंडियन इंजीनियर्स इंडिया छोड़ के बाहर चले जाते हैं। एक रिसर्च में ये पाया गया कि इंग्लैंड के नेशनल हेल्थ सर्विस के 30% डॉक्टर्स इंडियन ऑरिजिन के हैं। इवन यूएस में औसतन 1325 अमेरिकन के लिए एक इंडियन डॉक्टर है और वहीं पर इंडिया में 2400 इंडियंस के लिए सिर्फ एक इंडियन डॉक्टर है। यूएस के नेशनल साइंस फाउंडेशन के मुताबिक 2003 से 2013 तक यूएस में इंडिया बेस्ड साइंटिस्ट और इंजीनियर्स 85% बढ़ गया है। अकेली अगर यूएसए का ही एग्जांपल लिया जाए तो 1960 में सिर्फ 12,000 ही इंडियन इमिग्रेंट यूएसए में थे, जो 2020 आते आते 4.46 मिलियन तक पहुंच गया, मतलब इतना ज़्यादा। मोटा मोटा 70% H-1B वीज़ा सिर्फ इंडियंस को ही मिलता है, मतलब सोचिए कितना ज़्यादा क्रेज़ है इस H-1B वीज़ा के लिए। अब सवाल ये आता है कि इस ब्रेन ड्रेन के पीछे का कारण क्या है। ऑब्वियसली पहला और सबसे बड़ा कारण है पैसा। अगर सिर्फ इंडिया और यूएसए का ही कंपैरिजन लिया जाए तो आईटी सेक्टर में सैलरी इंडिया के मुकाबले यूएसए में 2 गुना ज़्यादा है, डॉक्टर्स में ये 6 गुना ज़्यादा है, मैनेजमेंट सेक्टर में ये 3 गुना ज़्यादा है, मतलब पैसा वहाँ पर ज़्यादा मिलता है तो भला कोई क्यों ना जाए। और सिर्फ पैसा ही नहीं, पैसे के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसे आप पुश पुल इफेक्ट से भी समझ सकते हो। पुश इफेक्ट मतलब वो सब कारण जो एक माइग्रेंट अपने नेटिव देश में एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से वो देश को छोड़ के दूसरे देश में रहना पसंद करता है जहाँ पर वो सब प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली कम होता है, लाइक लो इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जेंडर इनइक्वलिटी, लो हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टैलेंट और करप्शन जैसी प्रॉब्लम्स। और दूसरी ओर एक पुल इफेक्ट रेट होता है जिसे डेवलप कंट्रीज टैलेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसे आप उस कंट्रीज का सॉफ्ट वेपन भी कह सकते हो, जैसे कि इजी इमिग्रेशन पॉलिसी, रेमिटेंस, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर रेमुनरेशन, क्लास, प्रेस्टीज। क्योंकि आज भी इंडिया में एक NRI होना बैज ऑफ ऑनर की बात है।
अब चाहे पुल इफेक्ट हो या फिर पुश इफेक्ट, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा कोई अफेक्टेड हो रहा है तो वो है इंडिया। इंडिया अपने ह्यूमन कैपिटल को खो रहा है। 1996 से 2015 तक देश के आधे से ज़्यादा क्लास 10 और 12 के फर्स्ट रैंकर्स विदेश चले गए, और ना सिर्फ चले ही गए बल्कि उधर बस ही गए। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार इंडिया को हर साल $80 बिलियन का घाटा होता है सिर्फ इस स्टूडेंट इमिग्रेशन की वजह से। और ये लॉस सिर्फ स्टूडेंट इमिग्रेशन तक ही सीमित नहीं है। मॉर्गन स्टैनली, एफ्रो एशिया और GWM का अगर रिव्यू देखा जाए तो 2014 से 2020 तक मात्र 6 साल में 35,000 मिलेनियर्स ने देश छोड़ दिया, जिसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू में करोड़ों का घाटा हुआ। और ये सभी लॉस का वेस्टर्न कंट्रीज अच्छे से फ़ायदा उठा रही है। यूरोप में अभी पॉपुलेशन इम्बैलेंस चल रहा है। EU27 में टोटल पॉपुलेशन का मीडियन एज है 44 ईयर्स, मतलब जॉब्स के लिए यंग लोगों की कमी है, और इस कमी को पूरा कर रहे हैं इंडियन नर्सेस, केयर टेकर्स, फिजिशियंस और IT एंड सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स। और इस चीज़ को अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो आप इस गोवा के केस स्टडी से भी समझ सकते हो। गोवा ऑलमोस्ट 18 लाख की आबादी वाला इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है, लेकिन इंडिया का ब्रेन ड्रेन कैपिटल है। गोवा, दामन और दीव 1961 तक पोर्तुगल कॉलोनीज का हिस्सा था। इंडिपेंडेंस के करीब 14 साल बाद ये जाके इंडिया का हिस्सा बना। सिर्फ 2016 को करीब हर दिन गोवा में 11 लोगों ने इंडियन नेशनलिटी छोड़ के पोर्तुगल सिटीजनशिप ले लिया था। हाँ, इस छोटे से स्टेट से हर दिन 11 लोग, और ये फिगर ऊपर नीच हो सकता है, लेकिन ऐसा ट्रेंड हमें हर साल देखने को मिलता है। और वैसे ही दामन और दीव में भी सेम सिचुएशन देखने को मिलता है, जहाँ पर लोग थोड़ा सा एस्टैब्लिश होते ही अपना सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। जबकि पोर्तुगल एक यूरोपियन यूनियन का ही एक मेंबर है, तो एक बार अगर पोर्तुगल पासपोर्ट मिल जाता है तो बिना वीज़ा के भी बाकी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज लाइक इटली, फ्रांस, जर्मनी में जाना आसान हो जाता है। अब हालांकि इस ब्रेन ड्रेन का सिर्फ नेगेटिव साइड्स दिखाना भी नाइंसाफी होगा, क्योंकि इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं, स्पेशली रेमिटेंस। रेमिटेंसेस के मामले में इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री है, और ये हाई रेमिटेंस हमारे GDP में ऑलमोस्ट 3% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन क्या इतना एनफ है? इंडिया हो या फिर कोई भी कंट्री, ब्रेन ड्रेन से एक कंट्री अपने मैन पावर को खो देता है। लीडिंग कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज में एक टेक्नोलॉजिकल गैप बढ़ जाता है, यहाँ तक कि ग्लोबल इनइक्वालिटी भी बढ़ जाता है। सिंपली अगर मैं आपको समझाऊँ, ब्रेन ड्रेन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है। फर्स्ट, जब ब्रेन ड्रेन होता है तब डेवलपमेंट कम होता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी घटता है। सेकेंड, जब इकोनॉमिक ग्रोथ घटेगा तब एक पुश फैक्टर बनता है जो कॉलेज ग्रेजुएट्स को एमिग्रेट करने में मोटिवेट करता है, जिससे उस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ पर और बुरा प्रभाव पड़ता है, फिर और माइग्रेशन होता है, और इसी तरह वो देश इस साइकिल में फंस जाता है। जो हुआ 1979 को ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद ईरान के साथ, अर्ली 1980 को आयरिश क्राइसिस के बाद आयरलैंड के साथ, और 1991 को कोल्ड वॉर के बाद एक्स USSR कंट्रीज के साथ। और इसके उल्टा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ब्रेन ड्रेन रेट डिक्रीज होता है। जब कोई देश इकोनॉमिकली थोड़ा ग्रो करता है तब उस देश के लोग वापस उस देश में आना शुरू करते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़ता है, जो जाके एक रिवर्स पुल इफेक्ट क्रिएट करता है, जिससे लोग अपने नेटिव देश में फिर से वापस आना शुरू करते हैं और इकोनॉमी बूम कर जाता है। और यही देखने को मिला आयरलैंड में 1987 को फिस्कल रिफॉर्म के बाद, और ताइवान पे 1980 को ताइवानीज इकोनॉमिक मिरेकल के बाद। अब देखना यह है कि इंडिया इस साइकिल से कितना ज़्यादा बच पाता है और आने वाले टाइम पे कितना ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रो करता है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।